बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर वीना गोयल मैम हमारे साथ मौजूद है और आज बात करेंगे जनवरी इनटेक के लिए। जनवरी इनटेक में अगर आपको वीज़ा हासिल करना है तो कितने दिनों में आपको फाइल लॉन्च करनी पड़ेगी, इस इशू पे हम बात करेंगे। वीना मैम आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। वीना मैम, अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 से 2.5 महीने बन गया है, पहले तो इसको आप एक्सप्लेन करें कि प्रोसेसिंग टाइम ऑस्ट्रेलिया का इतना क्यों लग रहा है, उसका रीज़न क्या है? डल्ला साहब, ऐसा है कि हाई कमीशन ने क्लियर कह दिया है कि आपने वीज़ा फाइल 2 to 3 months पहले लगानी है। जिन्होंने 15 दिन पहले वीज़ा फाइल लगाई, 1 महीने पहले लगाई, उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास ऑलरेडी बहुत फाइल होती हैं और वो ये नहीं देखेंगे कि आपका कोर्स शुरू होने वाला, तो आपको पहले वीज़ा देना है। उन्होंने क्लियर बोल दिया है जिनकी लेट फाइल लगती है उनके वीज़ा रिजेक्शन चांसेस बहुत हाई हैं। अब हमारे यहाँ जो नॉर्थ का बच्चा है ना, वो सोचता है अभी टाइम है, हम आराम से करेंगे। उस आराम के चक्कर में उनका जो है इनटेक ख़राब हो जाता है, गैप पड़ जाता है, फिर वो कभी ऑस्ट्रेलिया जा ही नहीं सकते। तो उसके लिए स्टूडेंट को एटलीस्ट 3-5 महीने पहले अप्लाई करना चाहिए। जो बच्चे अभी अप्लाई कर लेंगे विद इन अ वीक आर 10 days और मैक्सिमम November 1st week तक, तो वो वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज बच्चों के लिए ये जैन इनटेक लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दिसंबर में 15 to 20 days की तो आप समझ लिए छुट्टियां होती हैं हाई कमीशन की। ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं मिलेगा कि आपकी इतनी छुट्टियां हैं, उसमें आपकी न्यू ईयर की छुट्टी आ जाएगी, क्रिसमस की आ जाएगी। लेकिन ये न्यू ईयर क्रिसमस पे स्टाफ, मान लीजिए अगर वहाँ पे 100 बंदा काम कर रहा है तो 10 बंदे रह जाएंगे, तो 90 बंदे तो छुट्टी पे हैं ना, जिन्होंने अपने साल की छुट्टियां अवेल करनी है, वो क्रिसमस और न्यू ईयर को क्लब करके आगे 5 दिन और पीछे न्यू ईयर के बाद 5 दिन, तो आप समझ लीजिए 10 से 15 दिन तो पूरा काम जो है वो बंद हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट अपना अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम, दे हैव टू अप्लाई नाउ। द यू नो ये जो होती है आपके प्रोसेस, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर फिर GT, ये ही अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है। GT क्लियर होते ही आपको जो है COE मिलती है, और COE के साथ विद इन 2-3 days आपकी फाइल लग जानी चाहिए, तब जाके आप जाएं। या फर्स्ट वीक ऑफ फेब में शुरू होता है, कभी भी फेब लास्ट में नहीं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों का शुरू होता जैन लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए टाइम कि आपके पास टाइम कितना कम बचा है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर जनवरी इनटेक को फोकस करना है तो अगले 15 दिन हैं। मैम, आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने दिनों में ऑफ़र लेटर्स मिलते हैं? देखो, ऑफ़र लेटर भी आजकल यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादातर जो हैं वो GT के डॉक्यूमेंट्स पहले मांग लेती हैं, अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र लेटर विद इन 10-15 days भी दे रही हैं, ऐसी भी हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटी अफेयर डिलेड है, 15 to 20-25 days लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर पुशअप करते हैं एज ए कंसल्टेंट हम, तो फिर उनकी ऑफ़र लेटर 10 days में भी हमने मंगवाई है। लेकिन ऑफ़र लेटर का ही क्या करेंगे स्टूडेंट, उनके साथ अगर उनको एजुकेशन लोन लेना है तो वो तैयारी रखें, पेरेंट्स के पास फंड्स हैं वो होने चाहिए। तो ये सारे जो इनको GT के डॉक्यूमेंट बोलते हैं, आजकल GS कह रहे हैं, तो अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो साथ के साथ आपको अप्रूवल मिल जाती है फीस डिपॉजिट करने के लिए। बच्चे का मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरव्यू लेती हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू या जूम सेशन के थ्रू होता है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी है वो एक अच्छा स्टूडेंट ही इस टाइम लेना चाह रही है। और ऑस्ट्रेलिया जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उनके बैंड रिक्वायरमेंट भी हाई है, उनकी परसेंटेज भी हाई है, तो वो बच्चा अच्छा ही है, तो उनकी छोटी सी इंटरव्यू होती है और उसके बाद उनको फीस डिपॉजिट करने के लिए बोल दिया जाता है। तो इट्स नॉट वेरी लेंथी प्रोसेस। लेंथी प्रोसेस कहाँ हो जाता है, अगर बच्चे के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बार बार मैं कहूँगी कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, 12 से 14 लाख के आसपास मिनिमम साल के इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। इवन आपका पर्सनल लोन भी चल जाता है ऑस्ट्रेलिया में, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, सेविंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपके शो कर सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भाई बहन शो कर सकते हैं, पेरेंट्स शो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इन सारी बातों का ख्याल रखना ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जनवरी के लिए वीज़ा लेना है तो जैसे वीना मैम ने कहा नवंबर के 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप तुरंत ऑफर लेटर लीजिए और जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच वीना मैम।